अपने अलग अंदाज और गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीती रात शहर की सड़कों पर निकलकर उनका जायजा लिया, जिसके बाद वो रात्रि विश्राम करने घर न जाते हुए लक्ष्मण तलैया स्थित दयाल धाम पहुंच गए, जहां पर उन्होंने लोगों के बीच रात्रि विश्राम किया। वहीं ऊर्जा मंत्री ने सुबह जगकर दयाल धाम में जन चौपाल लगाई, जिसके जरिए शासन की योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों के साथ आम लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देश भी दिए। इसके बाद मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वन टू वन चर्चा करके उनकी भी समस्याओं को सुनकर निराकरण किया। मैंने रात्रि विश्राम किया है और इसका बड़ा उद्देश्य बड़ा साफ है कि अपने लोगों के बीच रात में भी हम लोगों ने बैठ करके बात की, आपस में चर्चा की, संगठनात्मक रूप से चर्चा की और सरकार की वो योजनाएं जो आम जन तक जानी चाहिए उन योजनाओं पे भी चर्चा की। उसको अगर जो ज़रूरतमंद है उसका राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर विधवा है तो उसे पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आयुष्मान कार्ड जो पात्र हैं उनको मिला है कि नहीं बन पाए हैं, इन संबंधों में भी चर्चा हुई। रात्रि में इस लक्ष्मण तलैया रोड का जो काम चल रहा है उस काम का भी मैंने निरीक्षण किया।